साथियों, जैसा जी गुरु जी ने बताया, आज कन्हैया जी जो सही मायने में मध्य प्रदेश के वकालत कर रहे हैं सदन के अंदर राज्यसभा में और कोर्ट कचहरी में, कन्हैया जी और मैं हिंदू भाई हम सब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे उसमें अपने बाकी मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव हुआ सरकार बनी सरकार के गठन के बाद जिन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट डाले थे, जिन मोदी गारंटी को और जिन मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए थे, 11-12 इसी सूरत में भी इस नई सरकार ने उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करी। अगर सरकार सच्ची मच्ची कोशिश करती और नाकाम रहती हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संरक्षण देने का काम कर पहले से लोगों का शिकंजा था, सचिवालय से लेके ठेकों पर व्यवसाय करने वालों पर, जो लोगों की गठजोड़ से जो संपत्ति को अर्जित करने का जो काम कर रहे थे उसी सिंडिकेट को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में देखता हूँ मैं मध्य प्रदेश में सिर्फ प्रचार प्रसार अखबार और फोटो छपरी है, लेकिन धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और वही माफिया आज भोपाल सचिवालय में काबिज है जो पहले था। तो इस सरकार में क्योंकि अब सत्ता के केंद्र बहुत सारे हो गए इसलिए खिंचाव और तनाव सत्ता में भी है प्रशासन में भी है और उसका खामियाजा प्रदेश जनता को उठाना पड़ता है। जहां तक देश की बात है, आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 में जो परिणाम आए लोकसभा के और जो लोग दावा करते थे 300 पार 400 पार 500 पार, उनके घमंड और अहंकार को देश की जनता ने एक करारा जवाब दिया, एक खंडित जनादेश आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के अंदर। भाजपा ने दो बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण किया है दिल्ली में, लेकिन राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर सरकार को अनेकों बिल लाकर वापस अपने हाथ खींचने पड़े, वो उनकी व्यवस्था को दिखाता है। बजट में जो लाखों करोड़ रुपए दिए हैं दो राज्यों को, हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के भाइयों के साथ या आंध्र के लोगों के साथ, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो लोगों को साधने की कोशिश की है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या बना किया था, जो केंद्रीय बजट में लाखों करोड़ आपने सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को दिया, वो राजनीतिक मजबूरियां थी। तो ये व्यवस्थाएं आप सामने दिख रही हैं और केंद्र सरकार का भी मैंने रवैया देखा है सरकार बनने के बाद बैकफुट पर 10 साल से सरकार चलाने के बावजूद भी आज भी वो जब मौका मिलता है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस सरकार को दोष दे रहे हैं। इन 10 या 10.5 सालों में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया? आज किसान परेशान है, शिक्षित नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कल राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा है और बड़ा वो मार्मिक और स्पष्ट लेख है कि देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल खत्म हो रहा है, चिन्हित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में नीति निर्माण हो रही है, पॉलिसी बन रही है, कारखाने, गोदाम, बिजली घर, पोर्ट्स, रेलवे, सब चंद लोगों को देने का काम सरकार ने किया और जो वंचित वर्ग रहा गरीब किसान उनको हमेशा नजरअंदाज किया सरकार ने। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा का देश भर में जो ग्राफ था वो डाउन जा रहा है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, मैं कल परसों जमशेदपुर में था, महाराष्ट्र में प्रचार कर आया हूँ, दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटेंगे तो कटेंगे और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं, हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। तो ध्रुवीकरण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना, हीन भावना पैदा करना और राजनीतिक आक्रमण करना, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना,
ये जनता कूद चुकी है और दो तो निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपने जेल में डाला। मैं झारखंड होकर आया हूँ, वहां पर एक तरफा हवा चल रही है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो अति लोग कर रहे हैं उससे लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और सत्ता का दुरुपयोग जिस भयानक तरीके से हो रहा है उसको कोई समझदार नागरिक पसंद नहीं कर सकता। तो मैं तो मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जो पटवारी हमारे नौजवान साथी हैं और जुझारू तरीके से हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, एक भाई हमारे संजीदा और एक सुलझे हुए वकील और एक सांसद और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज इन्होंने नहीं किया है। तो इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो नई पीढ़ी है वो अब मध्य प्रदेश की सरकार को देख के बहुत लंबा अरसा हो चुका है और इस उपचुनाव के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी बदलाव की, जिसका कल्बिनेशन 2028 में होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल जी, खड़गे जी, हम सब मिलकर देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तरफ काम कर रहे हैं। लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, अब यूपी में भी हैं, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, तो ये चुनाव के परिणाम जब आएंगे दोनों राज्यों के और तमाम उपचुनावों के, तो सुखद होंगे कांग्रेस की इंडिया अलायंस के लिए और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली राजनीति।